जल संरक्षण। जल ही जीवन है, ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस जल रूपी जीवन को संभालने का जो कार्यक्रम श्री सुभाष जी सोजतिया ने उठाया, वो ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक मिसाल बन गया है। ये श्री सुभाष जी सोजतिया के प्रयासों का ही नतीजा रहा कि न केवल आध्यात्मिक महत्ता रखने वाली रेवा नदी करोट में पुनर्जीवित हुई, बल्कि भानपुरा और करोट क्षेत्र के 300 से अधिक तालाब भी अस्तित्व में आए, और साथ ही कई स्टॉप डैम ने पूरे देश को हमारा नारा पानी रोको, हमारा अभियान पानी रोको का मिशन भी दिया। श्री सुभाष सोजतिया जी की यही दूरदृष्टि सोच सन 2000 से 2002 के बीच आए सूखे के दौरान न सिर्फ करोट और भानपुरा के काम आई, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुई। जन भागीदारी के संकल्प में न केवल श्री सुभाष जी ने स्वयं गेती फावड़ा उठाया, बल्कि उस समय के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने भी अपने मजबूत कंधों से तालाबों और स्टॉप डैम की नींव भरी। इसी क्रम में श्री सुभाष जी सोजतिया जी के नेतृत्व में गरोट विधानसभा में 113 से अधिक तालाबों का निर्माण किया गया। इसके साथ ही 5 से अधिक स्टॉप डैम का भी निर्माण हुआ है।